नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इन लक्षणों वाली लड़कियां अपने पति के जीवन में लाती है सुख समृद्धि। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट और उस पर मौजूद चिन्हों को देखकर उस व्यक्ति के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कुछ विशेष लक्षणों से युक्त लड़कियों के बारे में जिनसे विवाह करके लड़कों की किस्मत चमक जाती है। जानिए सामुद्रिक शास्त्र में कैसी लड़कियों का माना जाता है बेहद सौभाग्यशाली। ऐसे माथे वाली लड़कियां मानी जाती हैं भाग्यशाली। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार जिन लड़कियों का माथा 3 उंगुल से चौड़ा, उसका आकार आधे चंद्रमा की तरह हो, ऐसी लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहते हैं ऐसी लड़कियां जिस घर में शादी करते जाती हैं, वहां सुख समृद्धि आ जाती है। ऐसे लक्षण वाली लड़कियां अपने कुल का नाम रोशन करती हैं और अपने पति की किस्मत बदलने वाली होती है, सारे सुखों को भोगने वाली होती हैं ऐसी लड़कियां। जिन लड़कियों की आंखों के ऊपर नीचे की स्किन हल्की से लाल मालिए हुए हो और उनकी आंखें काली और आंखों का सफेद भाग दूध के समान रंग का हो, तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। साथ ही जिनकी चाल राजहंस के समान होती है और कमर किसी बाघ के समान पतली हो, ऐसी लड़कियां सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। सुख समृद्धि लाती हैं ऐसी लड़कियां। जिन लड़कियों की नाक पर तिल होता है वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। इनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। महिलाओं की नाक के दाईं तरफ तिल होना काफी शुभ माना जाता है। ऐसी लड़कियां जहां जाती हैं वहां सुख समृद्धि आ जाती है, पति के लिए लकी मानी जाती हैं ऐसी लड़कियां। जिन लड़कियों के पैर का अंगूठा गोल थोड़ा उठा हुआ और लाल मालिए हुए होता है, ऐसी लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां अपने पति के लिए भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।